हेलो एंड वेलकम टू वैली ऑनलाइन। मैं हूं आपका होस्ट हादी हिदायत। एक बार फिर आपके सामने रूबरू कराएंगे एक ऐसे शख्स को जिनका नाम है समीना मुश्ताक, जो एक बडिंग राइटर हैं। समीना जी, वैली ऑनलाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। सबसे पहले आप समीना जी, हमारे जो व्यूवर्स जो आपको देखने वाले हैं उनको आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं जैसे कि नाम जानते हैं आप, आई एम समीना मुश्ताक खान। आई हेल फ्रॉम द डाउनटाउन एरिया ऑफ श्रीनगर खानियार, एंड आई एम बाय प्रोफेशन आई एम अ बैंकर, एंड राइटिंग इज जस्ट माय पैशन बिकॉज आई बिलीव इमोशंस आर मोर पावरफुली डिपेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, सो आई बिलीव राइटिंग कम्स टू अ रेस्क्यू एट दैट टाइम। बाय प्रोफेशन तो आप एक बैंकर हैं, तो राइटर, ये सब आपके दिमाग में कब आ गया और कैसे आ गया? मैंने बोला ना, लोगों पे वैसे आप डिपेंडेंट नहीं रहते, और बीइंग एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन तो मुझे अच्छा नहीं लगता है लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना। सो आई बिलीव पेपर एंड पेन इज़ अ बेस्ट थिंग, एंड दे नेवर कंप्लेन लाइक अबाउट एनीथिंग। अगर आप उनके साथ कुछ भी डिस्कस करो, दे लिसन सो केयरफुली एंड पेशेंटली टू दैट थिंग। सो दैट्स वाई आई चूज राइटिंग एज एन एस्केप। बिसाइड्स डिप्रेशन से बेटर, डिप्रेशन में जाना बेटर है राइटिंग करना या ऐसे ना लिखना अपने इमोशंस, तो इट्स बेटर टू बी देयर इन दैट। समीना जी, आप बताइए, आपने अभी तक मतलब क्या लिखा है? पोइम्स लिखी हैं या क्या क्या लिखा है वो आप हमारे नाज़रीन को बता दें। आई एम मच इंक्लाइन टूवर्ड्स पोइट्री, तो मैंने लिखी है, जो मेरी बुक भी आई है पब्लिश। कौन सी बुक आई है उसका नाम बताइए। बुक इज़ एंटाइटल्ड ऑब्सेस्ड विद द डॉन्स, एंड अच्छी चली, अच्छे क्लेम्स मिले लाइक फ्रॉम एवरी सेक्ट ऑफ द सोसाइटी, नॉट इन जस्ट जे एंड के, इट हैज़ बीन एक्लेम्ड थ्रू आउट इंडिया, एंड रिसेंटली इट बैग्ड बेस्ट पोइट्री अवार्ड इन कोयम्बतूर लिटरेरी फेस्ट। सो आई एम मच मोर कंटेंटेड दैट ऑलमाइटी चोज मी फॉर दिस, एंड ही ब्लेस्ड मी विद एवरीथिंग आई हैड नेवर क्रेड फॉर। समीना जी, आप बताइए, फैमिली का इसमें कितना सपोर्ट रहा आपको? अगर राइटिंग की बात करें तो कैसा सपोर्ट रहा फैमिली ने, क्योंकि आप बाई प्रोफेशन तो एक बैंकर हैं, तो इसमें आपको फैमिली ने कैसा सपोर्ट किया जब आप बुक पब्लिश करने वाली? बेसिकली पहले उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ का जो कल्चर है ना कश्मीर का, लाइक यहाँ पे ऐसी चीज़ों को पहले दबाते हैं, लाइक उतना सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर जब 2007 ऑनवर्ड्स ओपन माइक्स का कल्चर यहाँ पे बहुत उरूज पे हुआ, तो आई स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दोज ओपन माइक्स, तो उसके बाद घर वालों का भी अच्छा खासा सपोर्ट हुआ। उसके बाद जब बुक पब्लिश हुई एंड ऑफिशियल लॉन्च हुआ, तो घर वालों को भी कुछ अच्छा फील हुआ ना कि कुछ मिला है, व्हेन आई गॉट दैट ऑथर बैज एंड एक्लेम्स फ्रॉम एवरीवन लिटरेरी कम्युनिटी रादर, तो वो उनको भी अच्छा लगा। फ्रॉम दैट पॉइंट दे आर सपोर्टिंग मी, लाइक अगर मैं मुझे कहीं भी जाना होगा या किसी से भी बात करनी होगी रिगार्डिंग दिस थिंग, तो कभी मतलब ऐसे नहीं करते, दे आर काइंड ऑफ बैकबोन टू मी। कश्मीर में अगर बात करें, इंटरनेट की अगर बात करें, तो मोस्टली यहाँ पे लॉकडाउन होता है या इंटरनेट जो है वो सस्पेंड रहता है, तो उसमें आपने क्या क्या फेस किया, कितने हर्डल्स आपने अभी तक फेस? दिस थिंग हैज कॉस्टेड मी मच मोर, लाइक आई वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू माय रीडर्स। मेरा जो बुक था उतनी प्रमोशंस नहीं मिली जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, इंटरनेट वॉज स्नैप्ड, माई बुक वॉज लॉन्च पोस्ट लॉकडाउन आई गेस इन 2019 एट द एंड ऑफ 2019, एंड ऑफिशियल लॉन्च हुआ था बाई 1st of March फ्रॉम लाइपर्स पब्लिकेशन, इट वॉज एन ऑफिशियल लॉन्च बेसिकली, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मेरे पब्लिशर्स ने, तो उतना जितना हाइप मिलना चाहिए उतना तो नहीं मिला। सो दिस वॉज द थिंग कि यहाँ पे इंटरनेट नहीं था, आई वॉज नॉट एबल टू कनेक्ट टू द रीडर्स, उस वजह से भी कहीं ना कहीं तो लॉस हुआ ही मेरा, तो ये थिंग कॉस्ट करती है एक आर्टिस्ट को ग्रूम होने में। बाकी जो हमारे यूथ से, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरा मानना है अगर आप में टैलेंट, एंड आई बिलीव दैट जो भी इंसान है ना, हर किसी में कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता है, यू नीड टू ग्रूम दैट अप एंड यू नीड टू ना ट्रस्ट योर स्किल्स, ट्रस्ट योर गट इंस्टिंक्ट्स। तो जब आप उन चीज़ों पे बिलीव करोगे, ऑब्वियसली ऑलमाइटी इज लुकिंग इन टू ईच ऑफ योर एफर्ट्स, सो यू जस्ट बिलीव दैट, तो आपको आप इंशाल्लाह एक्सेल करोगे इन योर बीइंग। समीना जी, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपकी? फ्यूचर प्लान्स है, आई एम नॉट स्टॉपिंग हेयर, बट आई एम इन लर्निंग प्रोसेस, लाइक आई वॉन्ट टू लर्न मोर फर्स्ट, एंड बिसाइड्स आई एम थिंकिंग ऑफ पब्लिशिंग नॉवल काइंड ऑफ थिंग, और कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑलमोस्ट मोर देन सेवन शॉर्ट स्टोरीज, तो वो पढ़ूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एडिटिंग का कॉन्सेप्ट लाना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं उठा के पब्लिश कर देते हैं, फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म आ जाता है, तो लोग बहुत वो ना डिस्करेज हो जाते हैं, बच्चे हैं
है वो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं उस चीज़ से. तो बेटर है पहले लिखो, कंपाइल करो, दैट इज़ नॉट बैड, बट ऑप्ट फॉर एन एडिटर, सूटेबल एडिटर, उसके बाद ही पब्लिश का आप सोचो. समीना जी, अगर हम रीडर्स की बात करें जो बुक्स पढ़ते हैं, आज अगर हम देखें जो पेपर बुक है उसको क्या लग रहा है, पेपर बुक को ज़्यादा मतलब लोग पढ़ते हैं या जो ऑनलाइन, क्योंकि पीडीएफ में भी है, इंटरनेट पे काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल होती है, तो क्या लग रहा है रीडर्स किसकी तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? टू बी फ्रैंक, जो जेन्युइन रीडर होगा वो ही विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट पेपर बैक काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि जो पढ़ने में वैसे मज़ा आता है, ऑनलाइन फ़ोन लेके पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता है. तो मेरे ख्याल से जो अच्छे रीडर्स होंगे, जेन्युइन रीडर्स होंगे, वो ऑब्वियसली दे विल ऑप्ट फॉर दैट थिंग. हाँ, अगर कोई पैसे बचाना चाहता है ऑब्वियसली दोज विल ऑप्ट फॉर किंडल काइंड ऑफ थिंग और गूगल रीड्स. तो जी हाँ नाजरीन, तो ये थी समीना मुश्ताक, जिन्होंने जो एक बडिंग राइटर हैं, जिन्होंने हमारे साथ बात की. तो आगे फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान हादी हिदायत को इजाज़त. अल्लाह निगेबान.